तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से और टूडे में। आज हम डिस्कस करने वाले साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 1 रुपए 80 पैसे की गिरावट देखने को मिल रही है और ये स्टॉक 5% से भी ऊपर की गिरावट दिखा चुका है। स्टॉक करंट लेवल पर 28 रुपए 95 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक आज के दिन ओपन होता है 30 रुपए 95 पैसे पर। स्टॉक हाई लगाता 31 रुपए 15 पैसे का। अपने हाई से देखे तो लगभग 2 रुपए की गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक के दिन का लो बनाएगा 28 रुपए 65 पैसे, वहां से तो स्टॉक के अंदर लगभग 25 पैसे की रिकवरी देखने को मिल रही है। स्टॉक के अंदर वॉल्यूम की बात करें, बायर क्वारंटी नंबर ऑफ शेयर में तो 38,85,803 क्वारंटी है, तो वहीं पर सेल्स क्वारंटी देखें तो लगभग 1,59,94,529 क्वारंटी है, तो बायर्स के मुकाबले सेलर्स के नंबर देखें तो काफी ज्यादा है। ट्रेड वॉल्यूम की बात करें तो लगभग 5,87,02,000 क्वारंटी है नंबर ऑफ शेयर्स में, तो स्टॉक के अंदर वॉल्यूम देखें तो काफी बड़ी लिक्विडिटी के साथ देखने को मिल रही है। साथ के साथ स्टॉक के प्राइस में भी एक नेगेटिव ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है, जिससे साफ पता लगता है कि इस स्टॉक के अंदर एक वीक ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में नीचे का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 26 रुपीज पर। 26 रुपीज पर इस पॉइंट पर स्टॉक में एक सपोर्ट लेवल है, जो ग्रीन कलर की नेक लाइन देख रही है, स्टॉक में एक सपोर्ट लेवल का काम कर रही है, जहां पर स्टॉक ने 3 टाइम्स सेम प्राइस को रिटेस्ट करके स्टॉक के अंदर एक बाउंस बैक देखने को मिलाएगा और ऊपर में स्टॉक के अंदर एक रुकावट रेंज बन चुकी है 31 रुपीज पर। इस बार तो स्टॉक ने 30 रुपीज के प्राइस को तो ब्रेकआउट दिया था, क्योंकि पीछे देखें तो स्टॉक ने 30 रुपीज के ही प्राइस को रीटेस्ट करके ऊपरी लेवल पर एक करेक्शन देखने को मिल रही थी, पर अब इस बार स्टॉक ने 30 रुपीज के तो प्राइस को ब्रेकआउट दिया था पर ऊपरी लेवल पर 31 रुपीज पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, जहां पर आज के दिन स्टॉक के अंदर काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। क्योंकि स्टॉक का वॉल्यूम एवरेज देखें तो नॉर्मल दिनों से ज्यादा स्टॉक के अंदर वॉल्यूम देखने को मिल रही है, साथ के साथ स्टॉक के प्राइस में भी एक गिरावट देखने को मिली है। तो अगर आप इस स्टॉक के अंदर एक पोजीशन बनाना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए 27 रुपीज का एक इम्पोर्टेंट स्टॉप लॉस ट्रेड करें और ऊपर के टारगेट अराउंड 35 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। इस बात का बस ध्यान रखें कि स्टॉक नीचे में 27 रुपीज के प्राइस को ब्रेक डाउन देता है तो वहां पर स्टॉक के अंदर एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है और ऊपर में स्टॉक में एक बड़ी तेजी अब देखने को मिलेगी जब जब स्टॉक 32 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट देता है, क्योंकि 31 रुपीज पर देखें तो अभी भी स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। ऊपर में 31 रुपीज 60 पैसे तक स्टॉक गया था, तो ऊपर में जब तक 32 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट नहीं देता स्टॉक के अंदर एक फ्रेश मोमेंटम बनता हुआ नजर नहीं आएगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।